हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने ईपीएस का चैप्टर एंशिएंट ह्यूमंस लाइफ लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली। डू यू लाइक देम? व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? दीज ह्यूमंस आर नोन एज एंशिएंट ह्यूमंस। जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो किस तरह की है, जो पुराने जो ह्यूमन बीइंग रहते थे उसकी लाइफ दिखाई दे रही है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर लॉन्ग टाइम ह्यूमंस लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स। दे डिड नॉट हैव क्लोथ्स टू वियर और शेल्टर टू लिव इन। पुराने समय पहले क्या हुआ करता था, जो ह्यूमंस रहते थे वो जंगलों में और गुफाओं में रहते थे। दे डिड नॉट हैव क्लोथ्स टू वियर और शेल्टर टू लिव इन। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी। दे यूज्ड एनिमल स्किन्स एंड ट्री लीव्स टू कवर देयर बॉडीज एंड ओनली एट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। तो वो जो पहनते थे वो क्या पहनते थे? एनिमल की स्किन्स पहनते थे, एनिमल की खाल, और पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनसे अपनी बॉडी को कवर करते थे। और हमेशा क्या खाते थे? फल खाते थे, और जो जंगली जो सब्जियां लगी रहती थी जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था वो उन्हें खाते थे। देयर लाइफ वॉज वेरी सिंपल। उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा साधारण थी। देन विद द पैसेज ऑफ द टाइम दे डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टूगेदर। तो कुछ समय बीतता गया, उसके बाद उन्होंने एक आग का आविष्कार किया। वो कैसे किया था? दो पत्थरों को आपस में रगड़कर। द फायर चेंज्ड देयर लाइफ एंड देन दे वर एबल टू कुक द मीट ऑफ एनिमल्स। तो जब उन्होंने आग का आविष्कार किया तो उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा एक बदलाव आया। तो वो बदलाव क्या था? तो वो जो पहले कच्चा मांस खाते थे अपना पेट भरने के लिए, तो अब वो उसी चीज को क्या करते थे? पकाकर खाने लगे थे। दे किल्ड विल्ड एनिमल्स विथ शार्प स्टोन्स दैट वर इन्वेंटेड बाय देम। तो वो क्या करने लगे उसके बाद? जंगली जानवरों को मारने लगे, और जो शार्प जो स्टोन्स होते हैं, जो नुकीले पत्थर होते हैं, उनसे वो उनको मार देते थे। और उसके बाद अर्ली ह्यूमंस हंटेड एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो पुराने समय में क्या होता था, वो अपना पेट भरने के लिए उनका शिकार करते थे और अपना पेट भर लिया करते थे। लेटर दे स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग। और धीरे धीरे जब उनकी समझ और बढ़ती गई, उसके बाद उन्होंने फार्मिंग भी करनी शुरू कर दी। दे लर्न्ड हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। उसके बाद वो क्रॉप को मतलब कैसे ग्रो करते हैं, खेतों में कैसे खेतीबाड़ी की जाती है, वो सब सीख चुके थे। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड सम यूजफुल एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पजेज। डॉग वॉज द फर्स्ट फेथफुल एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली ह्यूमंस। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू करा, जो एनिमल्स होते थे यूजफुल एनिमल अपने कुछ कार्य के लिए, वो उनको पालना उन्होंने भी शुरू कर दिया था। जैसे कि जो डॉग था वो सबसे पहला फेथफुल एनिमल था। अब हम बात करते हैं बुकवर्क की। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड डैश टू कवर देयर बॉडीज। क्या यूज करते थे, फ्रूट की स्किन या एनिमल स्किन? एनिमल स्किन। अर्ली ह्यूमंस डिपेंडेड ऑन, पुराने ह्यूमंस जो थे वो किस पर डिपेंड थे, मैराइंस पे या फॉरेस्ट पर? फॉरेस्ट। द अर्ली ह्यूमंस वांटेड एनिमल्स फॉर, ह्यूमंस किस क्या चाहते थे एनिमल्स के लिए, उनकी क्या जरूरत पड़ती थी, प्ले और फूड? फूड। दे डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग। उन्होंने क्या रगड़ के फायर बनाई थी, टू स्टोन्स और टू फ्लावर्स? टू स्टोन्स। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज डॉग। अर्ली ह्यूमन बींग्स बोर एनिमल स्किन। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स। अर्ली ह्यूमन हंटेड एनिमल्स फॉर फूड।
Early you may learn how to grow. How to grow crops. तो इस तरीके से आप fill in the blanks करा सकते हैं. Next question आता है true or false. Their life was very amazing and charming. उनकी life जो थी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थी और charming थी. False. काफी struggle वाली life थी. Early humans lived in forest and caves. True. Dog was the first faithful animal domesticated by early humans. True. Early humans hunted animals for their food. True. It is correct. Next आता है answer the following questions. Where did early humans live? अभी मैंने बताया था early human lives कहाँ रहते थे? Early caves. Next question है, what did early humans wear? क्या पहनते थे? Early humans wore animals. What did early humans eat? Early humans eat fruits. Vegetables and flesh of animals. Next up है, name the things discovered by early humans. क्या discovered किया था उन्होंने? First one is आप इस तरीके से बुक वर्क भी करा सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी करा सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो.